तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इजी जेटेक क्लासिक सूट का अभी जो है रिसेंटली एक अपडेट आया है, लेकिन जैसे उस अपडेट को हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें कुछ इस तरह का आपको एक एरर देखने को मिल रहा है। बहुत सारे भाइयों की जो है इस पर क्वेरी थी, इसको हम कैसे फिक्स करेंगे, क्या इस पर हमें करना है। तो इस वीडियो में जो है दोस्तों मैंने इसका एक पूरा सॉल्यूशन बताया कि इस एरर को आपको किस तरीके से फिक्स करना है, और इसकी जो है आपको फाइल भी दी है इस एरर को फिक्स करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, और आई होप कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस एरर को हम किस तरीके से फिक्स करेंगे। सबसे पहले जो है दोस्तों इसके सेटअप को हम इंस्टॉल कर लेते हैं, और अगर आपने जो है ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो आपको दोबारा जो है उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आप इसके आगे का प्रोसेस देखिए। तो पहले जो है दोस्तों इसको हम इंस्टॉल होने देते हैं, और फिर उसके बाद इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो दोस्तों जब ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा और आप इसको ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरह का जो है आपको एरर दे रहा होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, vcruntime.dll करके मिसिंग आ रहा है। इस तरह का एरर आपके इसमें आ रहा होगा, या फिर आपका आ रहा होगा msscp140.dll करके आ रहा होगा एक एरर। अब देखो इस एरर को फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक फ़ाइल दी है, ये जो आपको दिख रही है ना, ये डिस्क्रिप्शन में फ़ाइल है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको डाउनलोड करने के बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, और जो इसका पासवर्ड है दोस्तों वो पासवर्ड डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं, अश्वनी लांबा जो है इसका पासवर्ड है। और सिंपली जो है इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। इसमें जो है दोस्तों आपको चार फाइल देखने को मिलेंगे, एक है इसमें आपकी msscp140 करके, और एक आपकी vcruntime करके। अब ये जो दोस्तों ये जो दो फाइल हैं इनको आपको कॉपी कर लेना है। पहले हम इसको कॉपी कर रहे हैं, अब इसके बाद आपको जाना है आपके जो माई पीसी है उसकी सी ड्राइव में जाना है आपको। विंडोज़ में जाना है आपको, और इसमें आपको System32 में जाना है। System32 में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है इस फाइल को आपको यहाँ पर जो है इस फाइल को आपको पेस्ट कर देना है। कंटिन्यू, ठीक है, एक फाइल तो ये हो गई, और जो इसमें दूसरी फाइल है इसमें आपके vcruntime करके, इसको भी कॉपी करना है आपको, और इसको भी जो है वहीं पर पेस्ट कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों उस फोल्डर में आपको दो आपको सेटअप और मिले होंगे माइक्रोसॉफ्ट C++ के। इसके बाद दोस्तों आपको जो यहाँ पर आपको दो सेटअप दिख रहे हैं,
इनको जो है आपको इंस्टॉल करना है। यह आपके माइक्रोसॉफ्ट C++ 2015-2019 और एक है इसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट C++ 2017, तो इनको जो है आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल हो गया आपका। अब इसके बाद जो नीचे वाला है आपको इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। बस इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने पीसी को जो है एक बार आपको रिस्टार्ट करना है। तो चलिए अभी जो है सिस्टम को हम रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सिस्टम को रीस्टार्ट करने के बाद एक बार फिर से जो है आप इसको रन कीजिए। और अभी दोस्तों अगर आप देखोगे तो इसमें जो पहले एक एरर आ रहा था वीसी रन टाइम करके MVCP140 करके, तो वो एरर जो है सक्सेसफुली जो है फिक्स हो चुका है। और दोस्तों इस एरर को फिक्स करने के लिए जो फाइल हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप चाहे तो वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।